नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा खारिज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने फिलीपींस की याचिका पर दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिससे चीन को जबरदस्त झटका लगा है। एक स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि 9-लाइन के तहत जल क्षेत्र में संसाधनों पर चीन के अधिकारों के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। न्यायाधिकरण ने 497 पृष्ठ के अपने फैसले में कहा कि दक्षिण चीन सागर के संसाधनों पर चीन के ऐतिहासिक अधिकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मोदी ने कश्मीर में शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की, ताकि हिंसा प्रभावित घाटी में हालात सामान्य हो सकें। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी या नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कश्मीर घाटी के हालात की समीक्षा के लिए मोदी की अध्यक्षता में आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। 3 दिन पहले शीर्ष आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद राज्य में हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बैठक में मोदी ने राज्य के हालात पर चिंता जाहिर की। आईएस के हैदराबाद मॉड्यूल का प्रमुख यासिर गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को आतंकी गुट आईएस के हैदराबाद मॉड्यूल के 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ पिछले माह किया था। तेलंगाना खुफिया विभाग के सूत्रों ने बताया कि आईएस के हैदराबाद मॉड्यूल के प्रमुख यासिर नियामतुल्ला और उसके एक सहयोगी अताउल्ला रहमान को एनआईए ने यहां से गिरफ्तार किया है। रहमान मॉड्यूल के लिए धन जुटाता है। सरदार से कप्तानी छीनी रियो में हॉकी टीम की कमान श्रीजेश को। हॉकी इंडिया ने रियो ओलंपिक खेलों से पहले बड़ा फेरबदल करते हुए राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम की कमान सीनियर गोलकीपर पीआर श्रीजेश को सौंप दी है, जबकि लंबे समय से कप्तानी संभाल रहे सरदार सिंह से यह जिम्मेदारी छीन ली गई है। विश्व हॉकी टीम के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरों में से एक श्रीजेश को लंदन में 6 देशों के चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में उनकी अगुवाई में टीम के रजत पदक जीतने का फायदा मिला है। अगले वर्ष हर दिन बनेगी 41 किलोमीटर सड़क, नितिन गडकरी ने कहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ढांचागत विकास क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करते हुए कहा कि सरकार की सड़क निर्माण कार्य को दोगुना करके 41 किलोमीटर प्रतिदिन करने की योजना है और इसमें निवेश के लिए स्वर्णिम अवसर उपलब्ध है। गडकरी ने अमेरिका भारत व्यापार परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को वाशिंगटन में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में सड़क निर्माण की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। वर्तमान में देश में सड़क निर्माण की 20 किलोमीटर प्रतिदिन है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।